For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Sahu और बाहुबली ये दोनों अलग अलग genres की अलग अलग stories की films हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में comparison first day से था. क्यों? क्योंकि प्रभास दोनों फिल्म में कॉमन है और इस फिल्म का और उस फिल्म का स्केल एकदम ग्रैंड लेवल का है दोनों ही फिल्मों का. लेकिन अब बात करना चाहूंगी ऐसे तीन रीजंस की जिसकी वजह से साहू फिल्म बाहुबली को कभी अपने लाइफ टाइम में टक्कर नहीं दे पाएगी. चलिए शुरुआत करते हैं. वेल हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहा एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा. सबसे पहले बात करना चाहूंगी साहू फिल्म की स्टोरी की और बाहुबली की स्टोरी की. वो जो स्टोरी थी ऑफकोर्स एक फैमिली ड्रामा था जहाँ राजगद्दी के लिए लड़ाई होती है, लेकिन जिस तरीके से ट्विस्ट, जिस तरीके से बांधा गया था उस स्टोरी के साथ हमें, वो काफी रिलेटेबल था. लेकिन अगर मैं बात करूँ साहू फिल्म की, इतनी सिंपल सी स्टोरी है, स्टोरी वीक है रादर आई शुड से, लेकिन फिर भी घुमा घुमा के एक ही चीज को दिखाया गया है बार बार और इतनी सी स्टोरी को इतना ज्यादा ब्रैक किया गया है. स्टोरी में कोई पावरफुल कॉन्टेंट नहीं है, स्टोरी में कोई पावरफुल मैसेज नहीं है, नथिंग एट ऑल, लेकिन फिर भी ड्रैक किया गया है स्टोरी को बहुत ज्यादा, जिस रीजन के वजह से ये स्टोरी कभी भी उस स्टोरी का कंपैरिजन नहीं कर पाएगी. और दोनों स्टोरीज में जमीन आसमान का फर्क है. अगर मैं बात करना चाहूँ सुजीत की, फर्स्ट टाइम डायरेक्शन था उनका, कोशिश उन्होंने अच्छी की, लेकिन कोशिश के बावजूद कहीं ना कहीं वो रंग नहीं निखर कर आया इस स्टोरी का, जिसके वजह से साहू इज आई थिंक गोइंग टू बी अ डिबैकल एट द बॉक्स ऑफिस. नंबर टू, फिल्म की टाइमिंग. ओ माई गॉड, फिल्म लगभग 3 घंटे की है, यानी कि 174 मिनट्स की ये फिल्म है. मतलब 3 घंटे की फिल्म में आप हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी लास्ट के 10 मिनट्स में क्लैरिफाई होता है कि क्या सीन चल रहा है. अदरवाइज आपको पूरी फिल्म इतनी ज़्यादा लंबी लगेगी. जहाँ तक मैं बाहुबली की बात करूँ, फिल्म 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई थी क्योंकि सस्पेंस बरकरार रखना था. कहीं ना कहीं फिल्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, विच वॉज आई थिंक बेटर. दिस फिल्म डिड नॉट नीडेड 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन, 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन की ज़रूरत ही नहीं थी इस फिल्म को. ये फिल्म आराम से 2 घंटे में ख़त्म हो सकती थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म को इतना खींचा गया जिस टॉपिक पे कोई रेलेवेंस ही नहीं है, इस बात को इतना खींचा गया जिसके वजह से ये फिल्म डेफिनेटली ऑडियंस पेशेंस अपना नहीं बना पाएगी थिएटर में और ऑडियंस डेफिनेटली इरिटेट हो जाएगी. थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन कहीं ना कहीं बेहद कमज़ोर है. स्क्रीन प्ले इतना ढीला है कि आप कनेक्टिविटी ही फील नहीं कर पा रहे हो फिल्म के साथ, जो कि बाहुबली में ऐसा नहीं था. एक एक फ्रेम के साथ, एक एक सेकंड के साथ आप कनेक्ट हो रहे थे बाहुबली से. आपको लग रहा था कि वही सब कुछ है आपके बाहुबली से. चाहे मैं तमन्ना की बात करूँ, चाहे मैं अनुष्का शेट्टी की बात करूँ, दोनों ही सिनेरियोज में बाहुबली वॉज फार मोर कनेक्टिव, फार मोर बेटर एंड टाइट स्क्रीन प्ले. यहाँ पर साहू का स्क्रीन प्ले वॉज हेल लॉट ऑफ लूज एंड सिर्फ और सिर्फ चीज़ें चल रही है स्क्रीन पर, बट क्या चल रही है, क्यों चल रही है, दे हैव नो आइडिया. सिर्फ और सिर्फ ड्रैग किया गया है फिल्म को पूरी तरीके से. ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से साहू कभी भी बाहुबली जितना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी. लेकिन आप साहू ज़रूर देखिए, एटलीस्ट 1 टाइम वॉच ज़रूर है. आप देख के बताइए कि आपको कैसी लगी फिल्म, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज़ अड्डा को. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.